हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे समपरिमाणिक प्रक्षेप। समपरिमाणिक प्रक्षेप क्या होता है? हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, इसको कहते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। लंबकोणीय प्रक्षेप क्या होता है? वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप ऊपर होता है, नीचे फ्रंट होता है, फ्रंट के लेफ्ट में लेफ्ट साइड यू और राइट में राइट साइड यू। और जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है या तो फर्स्ट में। थर्ड जो होता है वो फर्स्ट का अपोजिट होता है। थर्ड में क्या होता है? एक्स वाई, ऊपर टॉप नीचे फ्रंट, फ्रंट के लेफ्ट में लेफ्ट साइड भी और राइट में राइट साइड भी। ये था थर्ड क्वाड्रेंट। इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा एक्स वाई प्लेन। वीपी बाई एचपी में क्या होता है? टॉप नीचे, फ्रंट ऊपर, फ्रंट के लेफ्ट में राइट साइड ही और राइट में लेफ्ट साइड ही होता है। ये तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात हुई थी। समपरिमाणिक प्रक्षेप जो होता है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का उल्टा होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है? एक 3D पिक्चर दे दिया जाता है, उसमें उसके तीनों व्यू अलग अलग दिखाए जाते हैं। और आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि आपको उसको 3D पिक्चर में बनाना होता है। ये शॉर्ट तरीका है। तो ये मिलता जुलता है किससे? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से। तो हम इसकी बात करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू की। आइसोमेट्रिक व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो समपरिमाणिक प्रक्षेप के बारे में जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो समपरिमाणिक प्रक्षेप होते हैं दो प्रकार के। क्षैतिज समपरिमाणिक प्रक्षेप जिसको कहते हैं HIP, हॉरिजॉन्टल आइसोमेट्रिक और प्रोजेक्शन। HIP और ये क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर समपरिमाणिक प्रक्षेप। इसमें क्या होता है? इसको कहते हैं वर्टिकल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। शॉर्ट में इसको कह सकते हैं VIP, वर्टिकल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसको हॉरिजॉन्टल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, शॉर्ट में इसको कह सकते हैं HRP। इसको हॉरिजॉन्टल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एंगल रखते हैं 30 डिग्री और 30 डिग्री का, और वर्टिकल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए क्या करते हैं हम? एक एंगल 90 डिग्री का और एक एंगल 30 डिग्री का। ये इसकी बेसिक जानकारी थी। अब इस में एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन रखते हैं कि कोई 40 मिलीमीटर भुजा का एक स्क्वायर है, उसके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करना है। तो उसकी बात करते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन लेते हैं।
40 मिलीमीटर भुजा के वर्ग के समपरिमाणिक प्रक्षेप खींचिए। एक 40 मिलीमीटर भुजा के वर्ग के समपरिमाणिक प्रक्षेप खींचिए। अब इस क्वेश्चन में इसने बोला कि समपरिमाणिक प्रक्षेप खींचिए, तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं है कि आपको एच आई पी ड्रा करना है कि वी आई पी ड्रा करना है, ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं है। जो आपका मन करे आप उसमें एक ड्रा कर दीजिए और आपको पूरे के पूरे कितने नंबर मिलते हैं, 10 नंबर, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो कोई हमारे पास जब कोई बॉन्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, बस किसी एक मेथड से इसको ड्रा कर देंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन जैसा हमारा कहता है पहले वो बनाते हैं। जैसे बोल रहे हैं 40 मिलीमीटर भुजा के वर्ग के समपरिमाणिक प्रक्षेप खींचिए, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, 40 मिलीमीटर भुजा का वर्ग बनाना है। तो पहले जो बात कहता है वर्ग की बात हो रही है, वर्ग कितनी, वर्ग की भुजा कितनी है 40, तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग कैसे बनेगा, एक 40 मिलीमीटर, एक 40 मिलीमीटर की हमने एक रेखा खींचा, ठीक है। अब उस पर इधर से 90 का कोण बनाया और इधर से 90 का कोण, 90 का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींचा, इधर से 90 का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, 40 mm का यहाँ से चाप लगाया और 40 mm का यहाँ से चाप लगाया, 40 का ये चाप लगाया ऐसे और 40 का ये चाप लगाया, दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है। इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी और डी। ये 40 mm भुजा का एक वर्ग हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं कि अब इसका समपरिमाणिक प्रक्षेप खींचना है, तो हम एक बना लेते हैं एच आई पी बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इस स्क्वायर का समपरिमाणिक प्रक्षेप खींचना है। तो उसको खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, खींच दिया, उस पर एक पॉइंट हमने लिया, उस पॉइंट पर 30 अंश का कोण बनाते ही हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है। कितने का, 30 अंश का, 30 अंश का हमने कोण बनाते ही रेखा खींचा, इधर 30 और इधर 30, ठीक है। अब ए से बी की दूरी कितनी है, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, 40 ए से बी की दूरी 40 है, तो ए से हमने बी की तरफ, ए से हम 40 का चाप लगाएंगे, तो जहां काटेगा वो हो जाएगा बी बी। अब इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर मैंने ड्राफ्टर को सेट करेंगे और इस पॉइंट पर समांतर रेखा हम इस टाइप से खींच देंगे, खींच दिया। अब जितनी ए से बी की दूरी थी, अब बी से सी की दूरी का चाप लगाएंगे, मान लीजिए ये, तो ये सी पॉइंट मिल गया। अब सी पॉइंट पर इस ए बी लाइन के पैरेलल हमने पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया, तो ये यहाँ पर हो गया डी पॉइंट, ए बी सी डी, ये हमारा इसका ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। हम ये बाकी जो भी लाइनें ज़्यादा हैं एक्सेस में, हम उनको क्या करेंगे, मिटा देंगे। ये हमारा इसका ये कौन सा हो गया, एच आई पी, हॉरिजॉन्टल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, 30 30 30, अगर इसका बोले कि वर्टिकल बनाइए तो वर्टिकल इज आल्सो वेरी इजी, उसमें क्या करेंगे, ये एच आई पी हुआ, वी आई पी जैसे बनाना है, एक हमने बेस लाइन ड्रा किया,
उस पर हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट का नाम रखा ए, इस पर हमने 90 अंश का कोण बनाया और यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाते हुए हमने रेखा खींचा। ठीक है, अब ए टू बी की दूरी कितनी है 40, तो 40 का हमने चाप लगाया, बी पॉइंट मिला। अब बी पॉइंट पर इस लाइन के पैरेलल पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया, ए से बी, बी से सी की दूरी वही कितनी होगी 40, 40 का चाप लगाया, ये पॉइंट मिल जाएगा सी। अब सी पॉइंट पर इस ए बी के पैरेलल हमने पैरेलल लाइन खींच दिया, तो ये पॉइंट हो जाएगा डी। तो ये क्या, जो ये चित्र हमारा बना, ये ऊर्ध्वाधर समपरिमाणिक प्रक्षेप हुआ, वर्टिकल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड दिस इज वर्टिकल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आएंगे, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए और इसको पढ़िए। ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा।